उस एस हाउस ऑफ लॉन्जिविटी हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दाउस ऑफ इंट्यूशन, हमारे अंदर की तंत्र मंत्र की शक्तियां हमारी डीड्स, पास लाइफ की डीड्स, हमारी डेथ एंड लाइफ हमारा पास फ्यूचर ठीक हमारी <laughs> उस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हाउसिंग का हाउस है क्योंकि लाइफ एंड डेथ का हाउस है, 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 है ये पास्ट एंड फ्यूचर का हाउस है अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे ध्यान से समझेंगे इंसान के जीवन में आमतौर पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उसके पेन के बाद होती है विदाउट पेन दर इज नो गेन इट्स और जब इंसान अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है जैसे-जैसे वो पेन से निकलता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है एंड दैट इज द रोल ऑफ एट हाउस विदाउट पेन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती फॉर एग्जांपल जब जीवन में बच्चा आता है देयर इज अ पेन देयर इज अ गेन दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज अ न्यू लाइफ आफ्टर द आफ्टर द चाइल्ड बर्थ सिमिलरली जब हमारे साथ कोई घटना घटती है चाहे घटना

जैसे विरासत में मिली गया धन जैसे विरासत में मिली गई प्रॉपर्टी जैसे अंडर टेबल मिला गया धन जैसे किसी और का धन जो हमने प्राप्त किया इट्स वेरी सिंपल जो धन हमारे द्वारा कमाया नहीं गया किसी और का धन अब हमने प्राप्त किया मनी लॉटरी एल आई सी गेन ठीक एनीथिंग विच इज नॉट अर्न बाई अस एंड वी आर गेनिंग इट इज अन उसमें कितने भी फॉर्म के धन होंगे तो सब अंडर में आएंगे क्योंकि वो हमारी द्वारा मेहनत से नहीं कमाया गया समी एल्स डिट द लेबर फॉर डिट एंड इट our forefathers वो बनी हो जाता है इट कु फैमिली मनी हो गया ठीक मनी बे नॉट बी गुड बट इट्स अर्न मनी ब्राइब किसी प्रकार की ब्राइब अर्नर्न मनी टैक्सेशन ऑडिट का काम सारा आठवें हाउस से देखे जाते हैं टैक्सेशन ऑडिट एट हाउस इंश्योरेंस लीगेसीज छुपा हुआ धन खजाना अनर्न हुआ वो भी ठीक है द मोड ऑफ डेथ कैसे हमारी मृत्यु होगी किस तरीके से होगी वो भी अनर्न दहेज अनर्न मनी हमने नहीं कमाया हमें मिला ठीक अनर्न मनी पार्टनर के थ्रू हमारे स्पाउस के थ्रू हमें मिला सीज ठीक जबस कॉन्स्पेंसी से मतलब कॉन्फ्लिक्ट एनिमीज़ जो के जब जिसको हम बोल सकते रिद्धि सिद्धि अगर हम ऑकल्ट की बात करें ऑकल्ट के अंदर रिद्धि सिद्धि ऑकल्ट के अंदर तंत्र मंत्र की डेप्थ ऑकल्टिज्म अपने आप में पूरा ठीक आठवा आठवा हाउस बैटल लड़ाई झगड़ा आठवा हाउस इनहेरिटेंस हाउस की लंबी यात्राएं आठवा हाउस गुप्त रोग गुप्त गुप्त शत्रु गुप्त जब भी गुप्त आएगा वर्ड आठवा हाउस चाहे वो गुप्त रोग हो गुप्त शत्रु हो गुप्त धन हो गुप्त विद्या हो गुप्त के साथ कुछ भी चीज को ऐड करोगे आठवा हाउस गुप्त यानी कि सिक्रेटिव सिक्रेटिव लव हो सिक्रेटिव रिलेशनशिप्स हो

ठीक अपमान के अंदर इंसान फंस जाता है वाद विवाद के अंदर इंसान फंस जाता है कई बार उसको उसपे बेकार के इल्जाम दोष लगा दिए जाते हैं आठवा हाउस और उसके वजह से उसको अपमान यश में उसकी हानि होती है एट हाउस की वजह से कोई भी रिसर्च तो तो किसी प्रकार की तहत तक जाना प्लीज योर माइक ऑफ किसी प्रकार की तह तक जाना डीप रिसर्च नीचे तक जाना तल तक जाना एट हाउस प्रोडक्शन नीचे तक जाना प्रोडक्शन जीरो से होती है प्रोडक्शन एम आई आईटी की खोज विज्ञान की क्षमता यानी कि रिसर्च इन आईटी एक्टिविटी या पीएचडी या टेक्नोलॉजी का के क्षेत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का निकालना हाउस जब किसी भी किसी सब्जेक्ट की तहत तक हम जाएंगे तो रिसर्च कलाएगी और रिसर्च जो चलाएगी तो वो आठवा हाउस को संबोधित करेगी उस को संबुगी रिसर्च इसके अलावा दंड, ऑडिटेशन, ऑडिट, इनकम टैक्स या पनिशमेंट। ठीक दुस अकाउंटेंसी भी इसलिए हम यहाँ से जोड़ते हैं क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर काफी बड़ा पार्ट ऑडिटिंग और इनकम टैक्स और टैक्सेशन का आता है इसलिए अकाउंटेंसी को हमारा गुर्दा बाधाए जीवन में जीवन में ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, एट हाउस से देखी जाती है विपत्ति यानी कि समस्याएं मुसीबतें एट हाउस से देखी जाती है समस्या सोरोज सफरिंग्स आर कम्स फ्रॉम दी एट हाउस दीज आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ एट हाउस नाउ एट हाउस की अगर हम बात करें एट हाउस एट हाउस का जो देवता है वो भ्रम देव है ब्रह्म जी ठीक है फिजिकल एबिलिटीज भी हम एट हाउस से देखते हैं ठीक रिबर्थ को भी हम एट हाउस से देखते हैं और हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल को हाउस से देखते हैं इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को हम सेवंथ हाउस से देखते हैं अब देवता यहाँ ब्रह्म जी माने जाते हैं और यहाँ के जो कारक प्लांट है वो शनिदेव है शनिदेव है और यहाँ का जो धातु है वो मस्कुलर धातु है और शनिदेव का जो दोष माना जाता है वो वात यहाँ का

हिसाब किता चलता है वो अपने आप वहां से चलते हैं तो इसलिए शनि देव को जब हम जब इंसान बात करता है शनि देव से डरता है या शनि की दशा आ जाती है और जब शनिदेव चलते हैं तो आठवा हाउस हमेशा उसके जो कारक है उसको लेके चलते हैं क्योंकि उसके खुद ही मालिक है उसको हमें टैकल करने की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए